हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 18 जुलाई 2020 का करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे एनजीटी के बारे में है। तो एनजीटी के बारे में आइए देख लेते हैं। एनजीटी का स्थापना 2010 में हुआ था। एनजीटी एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसका स्थापना 2010 में हुआ था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चार जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। CPCB ऐसे याद रखिएगा, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, चार जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। ये जो मेनली इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है, इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून है, सब में एनजीटी डील करता है, लेकिन दो कानून को छोड़कर। एक कानून है 1927 का और एक है 1972 का। 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। ये दोनों को छोड़ करके एनजीटी सारे केस को डील करता है। एनजीटी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। हमारे यहाँ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, जिसमें बताया किस तरीके से केस को डील करना है, लेकिन यहाँ पर एनजीटी उसको फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, तो इसके तहत बहुत बातें आते हैं, लेकिन दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे एक अनयूजुअल ओथ। अनयूजुअल ओथ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा ओथ पहले कभी नहीं हुआ है। अब क्या ओथ में किस बात का ओथ लिया जा रहा है, तो कह रहे इन अदर पेंडेमिक इंड्यूस्ड फर्स्ट मेंबर रिसेंटली इलेक्टेड टू राज्यसभा। जो लोग अभी राज्यसभा में इलेक्ट हुए, अभी आपको देखे होंगे कुछ दिन पहले लगभग 61 मेंबर जो हैं राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं। तो राज्यसभा में जो 61 मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो यूजुअली मेंबर टेक ओवर ड्यूरिंग द सेशन। तो अधिकांशतः ऐसा देखा गया है नॉर्मली कि जब सेशन चलता है, हमारे यहाँ आपको पता होगा 3 सेशन चलता है, संविधान में लिखा गया कम से कम 2 सेशन चलाना है। मतलब कहा गया था कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 सेशन चलेगा साल में, लेकिन हमारे यहाँ बाई ट्रेडिशनली बोल सकते हैं कन्वेंशनली यानी कि परंपरागत रूप से 3 सेशन चलते हैं। सबसे पहले आता है बजट सेशन, उसके बाद आता है मानसून सेशन, उसके बाद आता है विंटर सेशन। तो इन्हीं सेशन में जो है इस तरह का मतलब कि आपको ओथ सेरेमनी देखने को मिलेगा, जहाँ पर नए जो सांसद इलेक्ट होकर के आते थे उनको शपथ दिलवाया जाता था। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इट इज डन इन द चेयरमैन चैम्बर। तो जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो चेयरमैन के चैम्बर में करवाया जाता है, ठीक है। बट द 61 मेंबर हुए बिन इलेक्टेड और री इलेक्टेड। कुछ मेंबर इलेक्ट हुए हैं, मतलब पहली बार इलेक्ट हुए, कुछ मेंबर री इलेक्ट हुए, मतलब पहले से भी मेंबर थे, अभी भी मेंबर, मतलब दोबारा चुनाव ले रहे हैं राज्यसभा के लिए। इंक्लूड 2 चेयरपर्सन थे। इसमें 2 चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री कमेटी का, आपको पता होगा डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, मतलब कि मंत्री लोगों को हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा है वो डिफरेंट काम उनका एलोकेट करती है कि आपको ये काम देखना है, तो उसके हिसाब से कमेटी अपना रिपोर्ट देती है। तो उसमें चेयरपर्सन होते हैं। तो जो मतलब 2 मेंबर ऐसे हैं जो चेयरपर्सन थे किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के, तभी वो कंटिन्यू करेंगे अपना, लेकिन जब तक वो ओथ लेंगे नहीं तब तक वो अपना मीटिंग चालू नहीं कर सकते, चेयरपर्सन बन नहीं सकते। उसी तरीके से मीटिंग और भी नहीं हो सकता क्योंकि उस कमेटी में बहुत सारे मेंबर हैं जो री इलेक्ट हुए हैं, मतलब मेंबर पहले से भी थे तो दोबारा वो रह जाएंगे। तो बिना उन शपथ लिए उस मेंबर का मीटिंग में भाग ले नहीं सकते। सो मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू विल एडमिनिस्टर एन ओथ इन द चैम्बर ऑफ हाउस ऑन July 22। तो राज्यसभा का जो चैम्बर है वहाँ पे, चेयरमैन का जो चैम्बर है वहाँ पे 22 जुलाई को इस तरीके का ओथ सेरेमनी होगा। द मेंबर्स विल बी अलाउड टू 1 गेस्ट ईच, और हर एक मेंबर को एक गेस्ट लाना अलाउ होगा, मैक्सिमम एक गेस्ट अलाउ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक कल जो है रिटायर हो रहे थे जस्टिस भानुमति, रिटायर हो रहे थे 29 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं, सॉरी कल नहीं, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे एक वेबिनार में बोला गया, वेबिनार मतलब जैसे सेमिनार होता था ना, तो उसी का वेब वर्जन हो गया वेबिनार। तो वेबिनार में बोला गया कि हम लोग भी विक्टिम थे कोर्ट डिले के, है ना, मतलब कि जो कोर्ट प्रोसीजर में डिले होता है, देरी होता है, उसकी खुद विक्टिम थी। लेकिन अब इनको ये बताना चाहिए कि अपने पूरे जुडिशियल कैरियर में जितने सारे जज रहे, कितने लोगों को फास्ट ट्रैक जस्टिस दे पाई, मतलब कितने लोगों को टाइम पर जस्टिस दे पाई, इनको खुद यहाँ बताना चाहिए था। मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि आप जिस चीज़ का विक्टिम थे, आप जुडिशियरी के विक्टिम थे, यानी कि आपको देर से न्याय मिला उसके विक्टिम थे, आप खुद जज बने फिर भी किसी दूसरे को फास्ट ट्रैक नहीं न्याय दिला पाए, तो फिर आप जज बने क्यों। तो यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, कल रिटायर हो रहे थे जस्टिस भानुमति हु रिटायर्स ऑन July 29 एज अ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर हो रहे थे, सेड ऑन फ्राइडे डेट सी एंड हर फैमिली वाज विक्टिम ऑफ डिले। तो उनके द्वारा बोला है कि वो और उनकी फैमिली जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस है, जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसीजर है और जो डिले होता है, उसके खुद विक्टिम थे, लेकिन इनके द्वारा क्या उसको सिंपल किया गया ये तो बताया नहीं। मतलब क्या आप उसकी दिशा में क्या कदम लिए, इनको लेना चाहिए था जज बने थे तो, ठीक है। इनके द्वारा कहा गया कि जब ये 2 साल की थी तब इनके पिताजी का डेथ हो गया था एक बस एक्सीडेंट में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जज फॉर लास्ट टाइम ऑन फ्राइडे कंडक्टेड कोर्ट प्रोसीडिंग एडिड इन अ फेयरवेल एड्रेस दैट इवर मंथ माउंटेन्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स फॉर नो रीजन। क्या करें कि जुडिशरी में बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टेकल होते हैं, बाधा आते हैं बिना किसी कारण के,
ठीक है, और तीस साल के जज के करियर के रूप में, जुडिशियर करियर के रूप में जो है वो देखे, पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट में थे, धीरे धीरे वो अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, यानी कि जुडिशियरी के हर लेवल के कोर्ट में हो रहे हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट एकदम सबसे नीचे वाले कोर्ट को बोलते हैं, सब डिविजनल लेवल पर होता है। स्पीकिंग एट वेबिनार ऑर्गेनाइज टू कॉमेमोरेट हर करियर एज अ जज, शी सेड आई लॉस्ट माई फादर इन अ बस एक्सीडेंट व्हेन आई वाज जस्ट 2 ईयर ऑफ एज। इन दोज डेज वी हैड टू फाइल अ सूट फॉर कॉम्पेंसेशन। तो कॉम्पेंसेशन के लिए उनको जो मतलब कि केस, आप समझिए आम भाषा में, उनको एक केस करना पड़ता था, एक सूट फाइल करना पड़ता था। माई मदर फाइल द क्लेम एंड कोर्ट पास्ट अ डिक्री। तो कोर्ट से ऑर्डर भी आया पैसा देने के लिए, बट वी कुडंट गेट द अमाउंट ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कर उनको पैसा नहीं मिला एंड लैक ऑफ असिस्टेंट, उनको कोई मदद नहीं करने वाला था। इसलिए माई सेल्फ, माई विडोड मदर एंड माई टू सिस्टर्स वी वर विक्टिम ऑफ कोर्ट डिले एंड प्रोसीजरल लैक्स। वी डिडंट गेट द कम्पेंसेशन टिल द लास्ट डे। मतलब कि अभी तक उनको कम्पेंसेशन नहीं मिला। अब वो रिटायर हो रहे हैं, 65 साल उनका उम्र हो गया है, 2 साल में उनके पिताजी का डेथ हुआ था, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दूसरे नीति की तरफ। तो कहा जा रहा है मल्टीलेटरिज्म नीड टू रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। आज अभी का जो भारत है, मतलब सॉरी अभी का जो दुनिया है, उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीलेटरिज्म यहाँ पे जरूरी है। मल्टीलेटरिज्म यहाँ पे एक्चुअली कहा क्या गया है, तो जैसे आप देखे होंगे कि 1945 के बाद जब दुनिया वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय दुनिया 2 पार्ट में बट गया, तो हो गया बाईपोलर। तो उसी तरह से आज जो है दुनिया में कई पोल हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 ही सुपर पावर है, यूएसए और रसिया 2 सुपर पावर है। आज चाइना भी एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, उसके बाद इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया खुद यहाँ पे एक सुपर पावर बना हुआ है ना। उसके अलावा इज़राइल अलग एक पोल बनाया रखा है, यूरोप का अलग एक पोल है। तो कहा जा रहा है कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है। तो वहीं यहाँ पे कहा गया है कि आज दुनिया के रियलिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ये जरूरी है, मल्टीलेटरिज्म जरूरी है। और ये बोल कहाँ रहे थे ये सब बात, तो 25 एनिवर्सरी मनाया जा रहा था यूएनओ का। यूएनओ का जो है एक बॉडी है, यूएनओ में देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूएनओ के मेंबर बॉडी कितने हैं। जैसे एक सेक्रेटेरिएट हो गया, एक आध दो का नाम बताया था, एक सेक्रेटेरिएट हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, UNSC है, ठीक है। चलिए 3 का नाम हम बता दें और 3 का नाम आप बता दीजिए, ठीक है। और चौथा तो यहाँ दिया हुआ है, तो बाकी बच गया 2, ठीक है। तो दोनों का कमेंट सेक्शन में आप नाम बता दीजिए कि 6 जो मेन बॉडी है, ऑर्गन बॉडी है, उसमें से 4 तो हम बता दिए, पहले सेक्रेटेरिएट, UNSC और एक हो गया ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है ECOSOC इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसी का 75 साल हो रहा था, ठीक है। तो उसका हाई लेवल सेगमेंट यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा था, तो उसका कल शाम को उनको बोलने का मौके ला 75 एनिवर्सरी के अवसर पर, 75 साल पूरा होने के अवसर पर। तो ये वाला जो बॉडी है करता क्या है, जैसे UNSC में आप देखे होंगे, UNSC जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर को देखता है और बाइंडिंग एग्रीमेंट पास करता है, ठीक है। तो इस ECOSOC करता क्या है, तो यहाँ पर नाम से क्या पता चल रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि सामाजिक चीज़ को देखता होगा। तो जितने भी आपको भलाई वाला चीज़ दिखेगा UNO में, जैसे WHO हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ठीक है, और भी जितने भी UN वाले हैं बॉडी, ठीक है, जो तो सब इसी के अंदर आते हैं। इसका पेरेंट, उस सबका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यही है, मतलब UNO का ये डिपार्टमेंट है एक तरह से बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। अब इसी के अंदर कोई जो भलाई वाला जितना ऑर्गेनाइजेशन है आपको, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, सब इसी के अंदर आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया फर्मली बिलीव डेट द पार्ट टू अचीव सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी फ्रॉम मल्टीलेटरिज्म। तो यहाँ पे कहा गया था, मतलब कि पूरा कहने का मतलब ये था, मोदी जी का टोटल स्पीच हम सुने थे कल, उनके कहने का मतलब ये था कि इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट मिलना चाहिए। पूरे भाषण का एक कंक्लूजन यदि निकाला जाए एक शब्द में, तो उनके कहने का मतलब था कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलना चाहिए। वीटो पावर वाला जो सीट है अभी 5 कंट्री को है, तो उसको बढ़ाया जाए। कहा गया UNO का पुनर्जन्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ है ना, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ओनली रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म विथ अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की जरूरी है, एट इट सेंटर कैन मीट द एस्पिरेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। टुडे व्हाइल सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, लेट अस प्लेस टू रिफॉर्म द ग्लोबल मल्टीलेटरल सिस्टम एंड एनहेंस इट रिलेवेंस टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस। तो कहा जा रहा है कि 75 साल पहले जो था, ठीक है, आज जो इरिलेवेंट हो चुका है, उसका दोबारा से मतलब कि पुनर्जन्म करना पड़ेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा इसके बारे में, UNO का 75 साल होने वाला है। एट 223 मिलियन, इंडिया रिकॉर्ड लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द UN पॉवर्टी UN रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट आया है कि पिछले कुछ सालों में, मतलब लगभग 10 सालों में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी रेखा से जहाँ लोग बाहर आए हैं, 273 मिलियन लोग, मतलब लगभग 27.3 करोड़ लोग, ठीक है, इतने लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से भारत में, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अबाउट 273 मिलियन इंडिया मूव आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 2015-16। तो 10 साल में जो 5-6 से 2015-16 का जो सेशन रहा, 10 साल का दशक रहा,
उसमें 273 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर है, जो इंडिया में मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में रहने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखा गया। द डाटा रिलीज बाई UNDP, डाटा रिलीज किया गया UNDP प्लस HDI ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब के द्वारा मिलकर किया गया। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसके द्वारा किया गया। सो 65 आउट ऑफ 75 कंट्री स्टडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2000 से 2019। तो 2000 से 2019 के बीच में जो है 65 कंट्री ऐसे जहाँ पे ये पॉवर्टी कम हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म बार बार आ रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। जैसे अभी तक पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, आपको कहा जाए गरीबी, तो गरीबी देखते हो आपके दिमाग में क्या आएगा आपके सामने, कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो गरीबी। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में पैसा के अलावा भी बहुत कुछ देखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा है लेकिन बेचारा वो चल फिर नहीं सकता, उसका आँख खराब है, तो क्या वो गरीब नहीं है? हाँ, वो भी गरीब है क्योंकि वो देख नहीं सकता है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सब कुछ देखा जाता है। यहाँ पे मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा, पढ़ लिख नहीं सकता, तो भी एजुकेशनली गरीब है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन कंपासेस द वेरियस डिप्रिवेशन, इसमें कई डिप्रिवेशन देखे जाते हैं एक्सपीरियंस बाय पीपल इन द कैटेगरी इन द डेली लाइफ, सच एज पुअर हेल्थ, उसका यदि हेल्थ खराब है, लैक ऑफ एजुकेशन, यदि एजुकेशन उसके पास नहीं है, उसके पास कितना भी पैसा एजुकेशन है तो भी वो गरीब है। इनएडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड उसका लो है। पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, काम जो करता है वो काफ़ी मतलब पुअर क्वालिटी का। द थ्रेट ऑफ वायलेंस, ठीक है, वायलेंस का थ्रेट उसके ऊपर है। लिविंग इन एरिया देयर इन्वायरमेंटली हैजर्डस, ऐसे एरिया में रहता है जो इन्वायरमेंटली हैजर्डस है, मतलब वहाँ पर अधिकांशतः बाढ़ आता है या फिर वहाँ का हवा खराब है इस तरीके का, ये भी एक तरह का पॉवर्टी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द रिपोर्ट सेड दैट 4 कंट्रीज आर्मेनिया, इंडिया, निकारगुआ एंड नॉर्थ मैसेडोनिया हैव देयर ग्लोबल MPIT वैल्यू। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है लगभग आधा किया जा चुका है इन कंट्री के द्वारा। ये 4 कंट्री का यहाँ पे नाम दिखा गया, आर्मेनिया, इंडिया, निकारगुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे वाई क्वेश्चन रेस्ट टू डेलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, तो कल भी हम डिस्कस किए थे कि इसी एक्सपर्ट थे, इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट थे, लगभग 30 साल तक इलेक्शन कमीशन में काम किए थे, उनके द्वारा कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में डेलिमिटेशन जो किया जा रहा है वो इलीगल है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि तो क्यों इलीगल है, क्या उसमें खराबी है, उसके बारे में क्या क्यों क्वेश्चन उसके ऊपर एराइज हो रहा है हम लोग देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन फॉर्म लीगल एडवाइजर, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन का फॉर्मर लीगल एडवाइजर है, उनका नाम था SK मेंदीरत्ता, हैज रेड फ्लैग द सेंटर ऑर्डर टू सेटिंग ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड। ये 4 स्टेट में क्यों डिलिमिटेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है और इलीगल कहा जा रहा है। यहाँ पे डिलिमिटेशन जो है अंतिम बार जो हुआ था, जब इंडिया में डिलिमिटेशन अंतिम बार 2002 में करवाया गया था, ठीक है। डिलिमिटेशन एक लंबा प्रोसेस है तो करने में पूरा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे 2002 में स्टार्ट हुआ, 2008 तक चला था, करीब 6 साल लगा था उस डिलिमिटेशन में, ठीक है। तो इंडिया में जब लास्ट बार डिलिमिटेशन 2002 में करवाया गया था तो उसमें 4 स्टेट को नहीं काउंट किया गया था, मतलब 4 स्टेट पर डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं हुआ था। इसीलिए जम्मू और कश्मीर और ये 4 स्टेट यहाँ पे जो दिख रहा है, अरुणाचल, मणिपुर, असम और नागालैंड, यहाँ पे डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज करने के लिए ऑर्डर दिया गया है अभी। तो डिलिमिटेशन है क्या, तो जो लोकसभा है और विधानसभा है, ये दोनों का बाउंड्री को डिमार्केट करना, याद रखिए लोकसभा और विधानसभा, ना कि राज्यसभा और विधान परिषद, ये 4 का नहीं बल्कि 2 का, लोकसभा और विधानसभा का। द डिलिमिटेशन इज द रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन इन चेंज, पॉपुलेशन में जैसे चेंज होता है इसके कारण से बाउंड्री वहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ता है। द नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड टू स्टेट में ऑल्सो चेंज, तो इसके कारण जो सीट एलोकेट होता है हर एक राज्य में वो भी चेंज हो सकता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पीपल, तो कहा जा रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो एक आदमी है बराबर, मतलब कि जैसे हमारे जो सांसद होते हैं अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या हर सांसद के नीचे बराबर हो। जैसे मान लीजिए किसी MP के नीचे 10 लाख आदमी है, यानी 10 लाख आदमी को एक MP रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी दूसरा MP भी 10 लाख को ही रिप्रेजेंट कर, ऐसा नहीं हो कि इस MP के नीचे 12 लाख आदमी हो, ठीक है। तो डिलिमिटेशन ऑर्डर्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, ये ध्यान रखा गया बात, डिलिमिटेशन कमीशन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ एफन डिलिमिटेशन बी डन, कभी कब कब डिलिमिटेशन किया गया, तो आपको पता हो कि ऐसा तो संविधान में लिखा गया कि हर एक सेंसस के बाद करना है, लेकिन 81 और 91 दो सेंसस ऐसा था जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं हुआ था, ठीक है। द डिलिमिटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस, पिछले सेंसस के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज 1950-51 इज कैरिड बाय द प्रेसिडेंट, 50 और 51 में, मतलब 1950 से 51 में जो सेंसस हुआ था, मतलब जो डिलिमिटेशन हुआ था प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे हुआ था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की मदद से। लेकिन उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया था, उसके बाद डिलिमिटेशन 4 बार सेटअप हुआ है, 52, 63, 73, 2002, एक कल भी हम बताए थे इस बात, 91 और 81 के सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, जिसका रीज़न क्या था, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके कारण उसका सीट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा,
तो फिर साउथ इंडिया वाले को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया था कि 1976 में एक रूल लाया गया कि 25 साल तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, यानी कि 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। इसलिए 81 और 91 के सेंसस के अंदर कोई डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, तो 2001 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2001 में भी यही काम किया गया, 84th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 84वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें बोल दिया गया कि 25 साल और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है, वही यहाँ पे देखा जा रहा है कि फॉलआउट ऑफ प्रोविजन दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन द स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन इज फार एक्सप्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट ऑल द अनइंटेंडेड डिस्मेंट स्टेट कुड टेक लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या कह रहे हैं कि कहा गया कि यदि जिस पॉपुलेशन के आधार पर सीट बढ़ता रहेगा तो लोग यही सोचेंगे कि जितना ज़्यादा मेरा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, है ना, तो जिसके कारण से पॉपुलेशन कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए पार्लियामेंट पर ऐसा किया गया 1976 में जो है अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को और सस्पेंड किया गया 2001 तक डिलिमिटेशन को। अनदर अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट आया यहाँ पे 84वां अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। बाय व्हेन द कंट्री इज प्रोजेक्टेड टू अचीव है यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कहा गया कि 2026 तक ऐसा होगा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, फिर इंडिया के कोई भी कोना में देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हर जगह सेम होगा। हालांकि अभी भी ऐसा हुआ नहीं है, 2026 ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। द लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ 2002-2008 वाज बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस, अंतिम जो डिलिमिटेशन हुआ था 2001 के सेंसस के आधार पर हुआ था। और याद रखिए कि अभी जो चार स्टेट में जो करवाया गया है, अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, जो भी हो रहा है डिलिमिटेशन, ठीक है, ये 2011 के सेंसस के आधार पर हो रहा है, लेकिन पिछला जो सेंसस हुआ था 2001 के सेंसस के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट है कि भाई वर दीज फोर स्टेट लेफ्ट आउट, ये चार स्टेट को छोड़ा क्यों गया था, अरुणाचल, असम, मणिपुर और नागालैंड, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव द गुवाहाटी हाईकोर्ट चैलेंजिंग द सेंसस 2011 फॉर रेफरेंस। क्या कह रहा है कि 2011 के सेंसस के आधार पर 2002 में करवाया जा रहा था, तो इसीलिए जो है यहाँ पे गुवाहाटी हाईकोर्ट में कई लोग चैलेंज किए इस बात को लेकर के। फॉर असम एंड ऑल पार्टी डेलीगेशन विद द होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, उस समय जो होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, प्लीडिंग द डिलिमिटेशन वी कॉल्ड ऑफ बिकॉज द एनआरसी, तो एनआरसी असम में चल रहा था उस समय, ठीक है, एनआरसी काफ़ी पुराना मतलब कि मुद्दा है, तो एनआरसी चल रहा था, इस कारण से वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हो पाया था कि एनआरसी में क्या था कि कुछ बांग्लादेशी लोग वहाँ पे आके सेटल हो गए थे, उनको पहचान के बाहर करना था, ठीक है, तो यही बोला गया कि जैसे अभी वहाँ पे तो पॉपुलेशन डिलिमिटेशन यदि करवाया जाएगा तो पॉपुलेशन में भी बांग्लादेशी भी काउंट हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से सीट बढ़ जाएगा, तो फेयर होगा नहीं। द लिमिटेशन ऑफ एक्ट वाज अमेंडमेंट 2008 एंड द फरवरी 2008 द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वाज इशू टू ऑफर्ड डिफर्ड चार स्टेट, तो 2008 में ऐसा किया गया अमेंडमेंट ला करके इसको कि चार स्टेट में, ये जो चार स्टेट जहाँ पे कुछ मुद्दा उठ रहा है वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं होगा। सो व्हाट वाज चेंज नाउ, तो अब क्या हो गया है, तो ऑन फरवरी 2008 दिस ईयर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद क्लियर द डेक्स ऑफ रिजम्पशन ऑफ डिलिमिटेशन फॉर स्टेट बाई कैंसिलिंग द ऑर्डर ऑफ 2008, तो 2008 का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा और कहा गया कि आप डिलिमिटेशन करवा लो। द फ्रेश ऑर्डर इशू हुआ द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तो लॉ मिनिस्ट्री का जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ऑर्डर इशू किया गया। इट अपीयर दैट सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द डिफरिंग ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन दिस स्टेट हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इन्फेस्ट अंडर डिलिमिटेशन 2002 कुड बी कैरीड आउट नाउ, तो कहा गया कि लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा कहा गया कि जिसके कारण से डिलिमिटेशन जो है खत्म, डिलिमिटेशन को रोका गया था, ठीक है, वो अब लगभग खत्म हो चुका है, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन करवाया जाए। इट नोटेड अ रिडक्शन इन द इंसर्जेंसी इंटेलिजेंस, क्या कह रहा है कि उस एरिया में जो पहले इंसर्जेंसी चल रहा था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अशांति था उस एरिया में, जो अब कम हो चुका है। ऑन March 6 द लॉ मिनिस्ट्री नोटिफाइड द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनका 2002 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट, विल डिलिमिटेशन चेंज द नंबर ऑफ सीट, तो क्या डिलिमिटेशन से नंबर ऑफ सीट चेंज होगा, तो नहीं, नॉट इन द फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकॉज ऑफ द फ्रीज अंटिल 2026, तो 2026 तक जैसे बोल दिया गया है कि सीट का नंबर चेंज नहीं होगा, अभी 543 सीट पर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उतना ही पे होगा, ठीक है, तो इसके कारण सीट तो चेंज होने वाला है नहीं। डिलिमिटेशन विल ओनली रिड्रॉ द बाउंड्री, डिलिमिटेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री रिड्रॉ होगा, मतलब कि बाउंड्री चेंज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले एक एरिया में 50,000 लोग रह रहे थे, अब जो है उस एरिया में मान लीजिए कि 55,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो क्या हर जगह पॉपुलेशन, जैसे इतना बड़ा मान लीजिए कि एक एरिया, इतना बड़ा स्टेट है ये वाला, इसमें पहले 500,000 लोग रह रहे थे, तो इसके कारण 5 पार्ट में इसको बांट दिया गया, ऐसे बांट दिया गया, है ना, तो देखिए मान लीजिए ऐसे बांटा गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इधर पॉपुलेशन कम है इसलिए एरिया बड़ा है, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए एरिया छोटा है ना, एरिया छोटा है, आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन तो अभी जैसे मान लीजिए कि इसका एरिया 60,000 हो गया है, तो आप तो बोलेंगे 60,000 हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है, एक मतलब एक एमपी जो है 1,20,000 आदमी को, मतलब 6 लाख यदि हो गया पॉपुलेशन, पहले था 5 लाख, यानी कि एक एमपी 1 लाख आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन मान लीजिए पॉपुलेशन 6 लाख हो गया है, तो एक आदमी जो अब 1,20,000 को रिप्रेजेंट करेगा,
लेकिन क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हर जगह सेम है? मान लीजिए कि इधर वाले डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो गया है, इसके कारण क्या हो गया कि एक एमपी यहाँ पे 2 लाख आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इधर वाला 85,000 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना? दोनों में अंतर है, पॉपुलेशन ग्रोथ हर जगह सेम नहीं है ना, इसलिए बाउंड्री को रिड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है? एंड कैन बी रिवर्क द नंबर ऑफ रिजर्व सीट, क्या कह रहा है कि और यहाँ पे रिजर्व सीट का नंबर घट बढ़ सकता है, लेकिन 500 टोटल 543 ही रहेगा अभी भी। हाउएवर बिकॉज ऑफ पास्ट सर्कमस्टांसेस जम्मू एंड कश्मीर सीट विल इंक्रीज फ्रॉम 17 to 114, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीट थोड़ा सा बढ़ेगा, 107 से 114 होगा वहाँ के विधानसभा में, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट वाज मेंडी रट्टा रेड फ्लैग, तो जो यहाँ पे जिनके द्वारा इस पर उठाया गया, इलेक्शन कमीशन के जो लॉ एडवाइजर थे उनके द्वारा क्यों रेड फ्लैग दिया गया इसको, मतलब उनके द्वारा क्या आवाज़ क्यों उठाया गया इस बात, इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या रीज़न है? तो कहा जा रहा है कि लगभग 50 साल तक 2018 तक जो है डिलिमिटेशन के एक्सपर्ट रहे हैं इंडिया में, लॉ इलेक्शन कमीशन को काफ़ी हेल्प किए हैं, इसी दिन के बाद को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। द लॉ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन ऑफ मार्च 6 वायलेटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो क्या कर रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का उसको वायलेट करता है। इन 2008 द प्रेसिडेंट डिफर्ड द रिप्रेजेंटेशन इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पार्लियामेंट डिसाइडेड दैट इन स्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर डिलिमिटेशन कमीशन दिस लिमिटेड एक्सरसाइज देयर वुड बी कैरीड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कहा गया कि इसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाना था, पार्लियामेंट 2008 में ऐसा बोला था। फॉर दिस 8A यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 8A, इसी बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया गया है कि अब जो चाहे जब चाहे वो करवा लेगा, लेकिन यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन तो करवा नहीं रहा है डिलिमिटेशन, इसीलिए रेड फ्लैग दिया गया है। मैंडेटरी रोट ऑफ द 3 इलेक्शन कमिश्नर, जो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ वाले और 2 जूनियर वाले, तीनों को चिट्ठी लिखा गया है इसको लेकर के, सिंस द एक्ट स्टेट द डिलिमिटेशन इन द 4 स्टेट्स व्हेन हेल्ड वुड फॉल विद इन द ईसी लिमिट्स, द सेंटर शुड नॉट हैव नोटिफाइड अ सेपरेट डिलिमिटेशन कमीशन। जैसे यहाँ पे इनको चिट्ठी में बताया गया कि जब ऐसा लिखा गया है एक्ट में, एक अमेंडमेंट ला करके सेक्शन 8A डाला गया था वहाँ पे कि अब इसी के मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया गया, तो फिर सेंटर यहाँ पे क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? हेज एनी डिलिमिटेशन देयर बाय द न्यू कमीशन वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट्स, इस तरह से मतलब किसके देखते हुए, इस सेक्शन को देखते हुए, सेक्शन 8A को देखते हुए कोई भी ऐसा डिलिमिटेशन यदि होता है तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोर्ट को डिलिमिटेशन पे कुछ अधिकार ही नहीं है, डिलिमिटेशन को कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो चुका है। तो ये था इस न्यूज़ से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, तो वहाँ के जो मिनिस्टर गडकरी साहब को, मतलब कि नितिन गडकरी जो इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको चिट्ठी लिखा गया कि 400 साल पुराना एक पेड़ है उसको बचा लीजिए, है ना? स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैज रोड नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिक्वेस्टिंग हिम टू सेव 400-year-old पीपल ट्री फ्रॉम बीइंग कट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल हाईवे। एक नेशनल हाईवे वहाँ पे बन रहा है, ठीक है? इसके कारण से वहाँ पे 400 साल पुराना पेड़ है, ठीक है, तो उसको काटा जा रहा है। तो यहाँ पे एक बताया गया एक टाइगर रिजर्व भी था, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो याद रखिए मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है? दिस कम आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट रोड टू द सेंटर टू सेफगार्ड अ सेंचुरी इन द विदर्भा फ्रॉम बींग पार्ट ऑफ अ कोल फील्ड एंड प्रोटेक्ट द कोरियर ऑफ मालघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है? तो मालघाट टाइगर रिजर्व के बारे में हमको मेनली बताना था कि उसके बारे में याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक और इसका जानकारी दिया गया है कि द रोड पासेज थ्रू द भोस विलेज वेयर अ 400-year-old पीपल ट्री विच इज इन फ्रंट ऑफ द एलामा गॉडेज टेम्पल, तो वहाँ की एलामा गॉडेज कोई होंगी, उनके उनके टेम्पल के पास से पेड़ पीपल का, ठीक है? द ट्री स्प्रेड ओवर 400 square meters, तो काफ़ी बड़ा एक पेड़ नाम से भी लग, मतलब कि देखने से भी लग रहा है, 400 square meters में फैला हुआ है। इट नॉट ओनली टॉरिकल बट ऑल्सो एन अबाउट ऑफ 1000 birds, क्या कह रहा है कि ये जो है कई चिड़ियों के लिए घर का काम कर रही है, इतना बड़ा पेड़ है, तो है ना? तो ट्री के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसको नहीं काटा जाए, हाईवे को थोड़ा सा तिरछा करके निकाल लिया जाए, इसको नहीं काटा जाए, ऐसा लिखा गया वहाँ के मिनिस्टर के द्वारा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो नेपाल टू एक्सप्लोर आर्कोलॉजिकल साइट, तो जैसे कहा जाता है ना कि जिस देश के राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसा ही हो जाएगी, तो वहाँ का जो राजा के द्वारा, मतलब वहाँ के क्या नाम है उनका, केपी शर्मा ओली के द्वारा जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उनके द्वारा कुछ दिन पहले बोला गया था कि भगवान राम जो थे मतलब कि अयोध्या के नहीं थे, इंडिया वाले एक फेक अयोध्या बना ली है, भगवान राम यहाँ पे बीरगंज के आसपास के थे। तो वहाँ के जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो खुदाई डिपार्टमेंट करता है, खुदाई लेके कूदता है हर जगह, वो जो है क्या करने लगा है, अब बीरगंज के आसपास खुदाई करने लगा है, कहीं अयोध्या मिल जाए, ठीक है? तो नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी इज होल्डिंग अ क्रॉस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू एक्सप्लोर एन आर्कोलॉजिकल साइट इन थोरी नियर द बॉर्डर ऑफ बीरगंज, तो जहाँ पे इनके द्वारा बताया गया था कि भगवान राम वहाँ जन्म लिए थे, तो उसके आसपास अब आर्कोलॉजिकल साइट, वहाँ के जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर के अपना काम चालू कर चुका है। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर 4 days KP शर्मा ओली का जो रिमार्क था, मतलब उनके द्वारा जो बका गया था
उसके चार दिन बाद ऐसा कुछ वहाँ पे किया गया है, ठीक है, मतलब कि चालू किया गया। थोरी इज नोन टू हैव अ क्लस्टर ऑफ एंशियंट हिंदू रिलीजियस साइट। तो थोरी जो है बीरगंज के आसपास वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू रिलीजियस साइट है, ठीक है, जैसे पूरे नेपाल से वहाँ पे पिलग्रिम में जाते हैं। द डिपार्टमेंट हैज बीन होल्डिंग सेवरल मीटिंग विद डिफरेंट मिनिस्टर्स टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग आर्कियोलॉजिकल स्टडी इन थोरी, ठीक है। वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है राम बहादुर कुंवर, उनके द्वारा ऐसा बोला गया। नेपाली हिस्टोरियन, नेपाल में एक हिस्टोरियन भी इतिहासकार भी है ना, अब पता नहीं कैसे इनको इतिहासकार बोला गया है, पता नहीं कहाँ से कहीं चम्मच निकाल दिए होंगे खोद करके भी। नेपाली हिस्टोरियन जगमान जुरुंग इन अ टीवी इंटरव्यू सेड दैट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, तो कहा जा रहा है कि जैसे कहा गया यहाँ पे वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए लोग कहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि अयोध्या से जनकपुर जाने में एक दिन लगा था, है ना, ऐसा ही आगे पढ़ते हैं हम लोग। इट अपीयर दैट लॉर्ड राम वाज लोकेटेड नियर द जनकपुर, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वाल्मीकि रामायण को देखा जाए तो उसको ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मतलब कि इनके द्वारा, मतलब एक हिस्टोरियन है नेपाल के, आप समझिए यहाँ पे, ये कोई मतलब के पी शर्मा ओली तो नेता आदमी थे, इनको वोट से मतलब तो कुछ बोल के वोट ले सकते हैं, मतलब इनके बात पे भरोसा मत कीजिए, लेकिन ये तो हिस्टोरियन आदमी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो कम से कम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इनके द्वारा कहा गया कि वाल्मीकि रामायण से भी देखने को लगता है कि जनकपुर जो है नेपाल में ही होगा कहीं। द ट्रेवल टाइम इन चैरियट, मतलब यदि रथ से चला जाए अयोध्या से, इंडिया के अयोध्या से जनकपुर चला जाए रथ से चला जाए तो 7 दिन लगेगा, है ना, रथ से जाने पे 7 दिन लगेगा, लेकिन रामायण में ऐसा लिखा गया है कि राम जो है जनकपुर 1 दिन में पहुंच गए थे, तो इसका मतलब है कि जनक अयोध्या जो वहाँ वाला नहीं, अयोध्या इधर आसपास में कहीं होगा, इसीलिए 1 ही दिन में जनकपुर पहुंच गए थे, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो हालांकि इसका काफ़ी बड़ा रिएक्शन है, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्ट्री था उसके द्वारा भी क्लेरिफाई किया गया कि हम लोग का ये मतलब नहीं था कि इंडियन लोगों के भावनाओं को आहत करें, बस हमारे प्रधानमंत्री बोल दिए तो मतलब बोल दिए, ठीक है। द नेपाल एम्बेसी हैज टेकन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ नेपाली सिटीजन उत्तर प्रदेश, तो इसका फिर आपको मतलब कि इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट न्यूज में हम आपको दिखाते हैं कि नेपाल का एक आदमी था जो बनारस में रह रहा था, हालांकि नेपाली आदमी आपको हर छोटे शहर इंडिया में मिल जाएंगे चौकीदारी करते हुए, है ना, आपको एक शहर मतलब कि लगभग हर एक शहर में इंडिया में चौकीदारी किया जाता है रात को नेपाली लोगों के द्वारा, ठीक है, उसके बदले में वो लोग हर घर से पैसा लेते हैं। तो नेपाल के एक आदमी को उस तरह से उसका बेल मोड़ दिया गया, मतलब उसका बाल पूरा छील दिया गया वाराणसी में एक हिंदू आदमी है, उनके द्वारा जब इनके बोली से भावना जब आहत हुआ तो इनका तो सिर मुड़वा नहीं सकता है कोई, बेचारे रहते हैं काठमांडू में, कहीं बनारस के निकले तब तो, लेकिन यहाँ पे बनारस में एक आदमी था जो नेपाल का था उसका बाल मुड़वाया गया। तो जो नेपाल का एम्बेसी है इंडिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने लगा है। नेपाल स्पीकिंग पर्सन इन वाराणसी हैज टॉन्सर्ड एंड फोर्स टू शॉट, जय श्री राम। तो कहा गया कि उसको जय श्री राम बुलवाया गया जबरदस्ती, एंड स्लोगन अगेंस्ट नेपाल प्राइम मिनिस्टर और केपी ओली मुर्दाबाद, ऐसा उसके द्वारा बुलवाया गया जबरदस्ती, है ना, और उसके बाल कटवा करके उसके सर पे जय श्री राम लिख दिया गया, अरुण पाठा के नाम है उस भाई साहब का जो इतना महान काम करवाए हैं, ठीक है। हालांकि हम इसके सपोर्ट में नहीं है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समझना होगा कि नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है चाइना के हाथों में बिक चुका है, अभी चाइना के हाथों में बूढ़ा बिक चुका है तो कुछ भी कर सकता है। वहाँ के जो आदमी है वो अभी भी इंडियन लोगों के साथ है, इंडियन सेंटिमेंट उन लोगों में अभी भी स्ट्रांग है, इंडियन को अभी भी वो भाई लोग समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वही मतलब कि कमीना बन चुका है, तो फिर वहाँ के लोगों को पनिश करने से क्या फ़ायदा है। यदि आपको मुड़वाने हैं किसी का सर तो इसका मुड़वाइए ना। आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखें उनके ऊपर केस हालांकि हो चुका है, यूपी में केस हो चुका है, ठीक है, अरुण पाठक के ऊपर कि बुक इन द कनेक्शन ऑन फ्राइडे अंडर द सेक्शन 153A, सेक्शन 153A बताता है प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, 120 बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेशन ऑफ इंडियन पेलो, है ना, तो ये दोनों सेक्शन के अंदर इनको क्या बोल सकते हैं, इनके ऊपर FIR हो चुका है। इंडिया के कल तक का कोरोना का अपडेट देखते हैं तो 10,03,000 केस इंडिया में हो चुका है, हालांकि अब तक तो बढ़ चुका होगा, ये कल शाम 4 या 5 बजे के आसपास का डाटा रहता है। रिकवर हो चुके 635,756 लोग, 25,000 लोगों का डेथ भी हो चुका है। यहाँ पे यदि डबलिंग रेट की बात किया जाए तो 21 दिन में इंडिया में कोरोना का केस डबल हो जा रहा है। महाराष्ट्र में 284,000 केस यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कल तक। तमिलनाडु में 156,000, दिल्ली में 118,000। यदि पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। कल तक 7.68 था, यानी कि 100 लोग को यदि टेस्ट किया जा रहा है तो लगभग 8 लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यदि फर्टिलिटी रेशियो की बात किया जाए तो 2.72 लोग यहाँ पे पहले डेथ हो रहा था, यदि 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे तो उसमें इतने लोग का डेथ हो रहा था, डेथ रेट थोड़ा सा कम गया है, ये अच्छी बात है। 34,000 लोग यहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं कल कोरोना वायरस के केस में, लेकिन 22,000 लोग ठीक हुए हैं, है ना, दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है डिटेक्टेड वाला केस। तो इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।